हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक नए प्लांट केयर के साथ आई हूँ फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा प्लांट है वो है मॉन्स्टेरा प्लांट। मॉन्स्टेरा प्लांट की देखभाल कैसे करें आज कंप्लीट जानकारी दूंगी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है मॉन्स्टेरा का प्लांट। मॉन्स्टेरा प्लांट एक इंडोर प्लांट होता है। ख़ास तौर से इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसे स्विस चीज़ भी कहते हैं, इसे ब्रोकन हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्लांट है ये घर के अंदर आप ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ पे इस प्लांट को बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट मिले। अगर कोई खिड़की की जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो, तो ये प्लांट उस जगह पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। दूसरी बात, ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। ये रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि इस प्लांट को अगर आपने अपने घर में रखा है तो इसकी मिस्टिंग ज़रूर करते रहें पानी से, जिस तरह से मैंने किया हुआ है फ्रेंड्स। गर्मियों में कम से कम 2 से 3 बार, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार तो ज़रूर इसके ऊपर इसकी मिस्टिंग कर दिया करें पानी से, ताकि प्लांट्स बहुत खुश बना रहे। और ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, कटिंग से प्रोपेगेशन की अगर बात करें तो कटिंग से इन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है बहुत आसानी से। वैसे इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इसके रूट्स मैं आप लोगों को दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके रूट्स भी निकलते हैं। और ये एक एरियल रूट निकलने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि मनी प्लांट्स होते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए इसके रूट्स किस तरह से बाहर निकले हुए हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं, अगर कटिंग की बात करें कि कटिंग कैसे लगाएं इसकी, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जहाँ पे इसकी रूट्स ऐसे निकल आ रही है, तो आप इस जगह से इसको काट सकते हैं जहाँ पे मैं रूट दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो रूट छोड़ के थोड़ा बीच से, दोनों रूट्स के बीच से आप काट लें और फिर एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और दूसरी बात कि जिस भी प्लांटर पॉट में लगाएं तो इस प्लांट को कोशिश करें बड़े से बड़े गमले का ही इस्तेमाल करें लगाने के लिए, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और बहुत जगह, बहुत स्पेस चाहिए होता है इन प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को रूट्स अभी इसके दिखाए कि किस तरह से बाहर निकलते जाते हैं। और ये प्लांट्स जितने ज़्यादा बड़े होंगे फ्रेंड्स, इसको एक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो सपोर्ट के लिए आप कोई बड़ा डंडा लगा कर रख सकते हैं, स्टेक लगा कर रख सकते हैं, जिससे ये प्लांट्स झुके नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। अगर आप अपने घर को सजाने के लिए कुछ प्लांट्स चाहते हैं घर में लगाना, तो मॉन्स्टेरा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप लगा कर रख सकते हैं। इसकी प्लांट्स की पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है ये देखिए फ्रेंड्स। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स जो अभी नए लगाए होते हैं, जैसे जिसमें 1-2 पत्ते होते हैं, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि इस तरह से उसमें कटिंग नहीं बनी होती है, जैसा कि इसमें इस तरह से डिज़ाइंस बने होते हैं। तो जो नए प्लांट्स लगाए होते हैं उसमें पत्तियाँ इस तरह से आप लोगों को लगेगा, इसमें डिज़ाइन नहीं बने होते हैं। ये प्लांट्स जब बड़े हो जाते हैं, मच्योर होने लगते हैं, तभी इसमें इस तरह की डिज़ाइन देखने को मिलती है पत्तियों में। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है, और बड़े से बड़े पॉट में लगाएं। और ध्यान रखें कि वेल ड्रेन पॉट हो, क्योंकि इस प्लांट को अपनी मिट्टी में देर तक पानी जमा रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर देर तक इसकी मिट्टी में पानी जमा रहेगा तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती है, तो इसलिए ध्यान रखें। इसकी मिट्टी अगर तैयार करना हो तो फ्रेंड्स एक हिस्सा मिट्टी ले लें और एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आप वर्मी कंपोस्ट, अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। साथ में आप अगर रेत है आपके पास फ्रेंड्स, बालू, बजरी भी जिसको बोलते हैं, रिवर सैंड, अगर वो है तो वो आप मिला सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास रिवर सैंड, तो आप स्किप कर दें रिवर सैंड को और उसके जगह में कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाता है, या किसी नर्सरी वाले, प्लांट नर्सरी वाले के पास बहुत आसानी से आप लोगों को कोकोपीट मिल जाएगा। तो उसमें जो सारी मात्रा है, एक हिस्सा मिट्टी होनी चाहिए, एक हिस्सा उसमें खाद होनी चाहिए और एक हिस्सा उसमें कोकोपीट या सैंड आप मिलाना चाहते हैं तो वो मिला लें। और तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन में मिला के, फिर अगर फंजीसाइड पाउडर हो तो मिला दें 1 चम्मच, तो बहुत बढ़िया रहता है। प्लांट्स में फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं और प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं।
तो आप इस प्लांट में ये तीनों चीज़ों मिला के सबको मिला के और इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये जो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो इसके लिए एक सपोर्ट ज़रूर लगा दें और कोशिश करें इस प्लांट को एक ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इसे सुबह की 1 से 2 घंटे की अगर हल्की धूप मिलेगी तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो मैं आप लोगों को सामने ही दिखा दूँ, ये जो प्लांट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला, ये वाला, इसको मैंने ऐसी जगह में प्लेस किया हुआ है जहाँ पे इसे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप तो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है और इसकी ग्रोथ देखिए। और जो मेरा दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी मॉन्स्टेरा का है, ये मैंने इंडोर रखा हुआ है, तो ये मैं वीक में या 8 से 10 दिन में एक आध बार इसे 2-3 घंटे की ही धूप दिखा पाती हूँ। तो दोनों में आप फ़र्क देख रहे होंगे फ्रेंड्स, दोनों की हेल्थ में कितना ज़्यादा अंतर है। तो धूप दिखा सकते हैं तो धूप में ज़रूर प्लांट को रखें, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप से बचाएं प्लांट्स को, बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं। और खाद के लिए आप इसमें महीने में कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं एक हिस्सा। और इस प्लांट को बस कड़ी धूप से बचाएं और मिस्टिंग ज़रूर करें, मॉइस्चर बनाए रखें प्लांट्स में। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। और कीड़े मकौड़े इस प्लांट में ज़्यादा नहीं लगते हैं, अगर लग रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो, मॉन्स्टेरा प्लांट के ऊपर किसकी देखभाल कैसे करें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।